अच्छा एक बात बताओ कि घड़ी का जो सेल आता है, निप्पो, एवरेडी, आपने नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे तरीके के, ड्यूरासेल आता है, इसके अलावा पैनासोनिक आता है, और ये चार के अलावा भी बहुत सारे सेल आते हैं। तो ये सेल के लिए आप किसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे? आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटर इसके कौन होते हैं? कौन सेल के अधिकतर डिस्ट्रीब्यूटर पूरे इंडिया में हैं? आपको पता है? कंफ्यूज हो गए ना? बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहां पर सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर आखिर हम किसको बनाएंगे। फूड वाले को बनाएंगे, पर्सनल केयर वाले को बनाएंगे, कॉस्मेटिक वाले को बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल वाले को बनाएंगे, या किसको हम बनाएंगे? तो मोस्टली क्या होता है, सबसे पहले किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को बनाने से पहले कंपनी कुछ सोचती है, कुछ फॉर्मेट होता है उसके पास, कुछ सोचती है। कैसे सोचती है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड आउट किया जाता है? सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर को पहचानना एक कला है। डिस्ट्रीब्यूटर को अगर आपने पहचान लिया तो बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, और आपकी जो एनर्जी है बाद में ज्यादा खर्च नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने मेहनत पहले ही कर ली, पहले ही पेपर वर्क कर लिया, पहले ही दिमाग लगा लिया, तो आगे चल के आपको जो सिस्टम है वो बस उसको जो मैप बना लिया, जो ड्रॉइंग बना ली, उसको बस वहां ड्रॉइंग से आगे बढ़ाते जाना है, और बिल्कुल काम आपका बहुत अच्छा चलेगा। जो सेल का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, देखो सेल क्या है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो शॉप हैं वो भी ज्यादा हो गई हैं, मोबाइल शॉप ज्यादा हो गई हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर भी सेल बिकते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो सेल बेचे जाते हैं वो किराना स्टोर पर बेचे जाते थे, टिपिकल किराना स्टोर। और फिर उसके बाद आता है जनरल स्टोर, जहां पर कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर, तौलिया, प्लास्टिक की चीजें, बहुत सारी चीजें जनरल स्टोर वाली मिलती है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो खपत होती थी सेल की, वो होती थी, वो बिकता था एंड कस्टमर को, वो किराना स्टोर से बिकता था। दूसरा पर्सनल केयर, उसके बाद कहीं जाके ये जो टीवी रेडियो वाले, टीवी जो बेचते थे, जो रेडियो बेचते थे, वो बेचते थे। आजकल थोड़ा सा माइंड, थोड़ा सा सेटअप चेंज हो गया है, लेकिन कंपनियां अभी भी उसी हिसाब से चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की दुकानें बहुत हो गई हैं, रिपेयरिंग की दुकानें बहुत हो गई हैं, मोबाइल स्टोर बहुत हो गए हैं, तो अब सेल वहां पर, मतलब सेल को अब ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेस में बिकने का मौका मिलता है। लेकिन आज की डेट में भी सबसे जो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनता है वो बनता है जो तेल मसाले बेचता है, यानी तेल मसाले का डिस्ट्रीब्यूटर है। टिपिकल किराना स्टोर का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो सबसे अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर माना जाता है, और दूसरे जगह पे जो पर्सनल केयर वाला प्रोडक्ट ज्यादा बेचता है वो अच्छा माना जाता है। लेकिन कंपनी प्रिफर अधिकतर करती है किराना स्टोर वाले को। किराना स्टोर पे रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी पहुंच जाएगा, किराना स्टोर पे भी पहुंच जाएगा, और साथ ही साथ पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक सभी पर पहुंच जाएगा। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर एक अपॉइंट किया जाता है आज की डेट में भी। अगर आप पता करेंगे, पता करिएगा, फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब मैं आपको बताता हूं, एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करने से पहले, अगर आप एक नई कंपनी है या आप नए एम्प्लॉय हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करने से पहले क्या देखना होता है? देखो सबसे पहले आपको वो जो आप इंडिया में क्या होता है, इंडिया में स्टेट वाइज चलता है। एक स्टेट का अगर हम नाम लें तो हमें पता चल जाता है किस तरह के लोग वहां रहते हैं, क्योंकि ये कुछ मेंटेलिटी बनी हुई है, कुछ पहले से परसेप्शन है, फिल्मों से चाहे जानकारी से। अगर हम पंजाब की बात करें तो एक अमीर राज्य, खेती बाड़ी बहुत है, लोग गाड़ियों से चलते हैं, थोड़े से अमीर है, फैशनेबल है, ये आता है। इसी तरह से हर स्टेट का जब नाम लेते हैं तो कुछ ना कुछ यूनिक चीज आती है कि वहां के लोग किस तरीके के हैं, किस तरीके से खरीदारी करते होंगे, किस तरीके से खर्च करते होंगे। तो एक स्टेट में सबसे पहले आप, अगर मैं कंपनी की पर्पज से कह रहा हूं, अगर आप सेल्स एम्प्लॉय तो आपको एक एरिया मिला ही होगा, आपको पता ही होगा। अगर आप एक कंपनी है तो सबसे पहले कहां, किस स्टेट में लॉन्च करना चाहते हैं, ये वो स्टेट हो गया। अब आप स्टेट के हिसाब से देखिए कि आपके प्रोडक्ट में क्या दम है और किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। स्टेट जब सेलेक्ट हो जाए, जब डिस्ट्रीब्यूटर क्राइटेरिया सेलेक्ट हो जाए, तो उसके बाद आ जाइए जिले, जिला, इसके अलावा कुछ नहीं करना, जिला आ जाइए। आपको वहां पर या तो अर्बन, मतलब ग्रामीण क्षेत्र, या शहरी क्षेत्र, सब जगह रहता है। अब आप देखिए कि आपका जो जो प्रोडक्ट है वो किस नेचर का है, किस नेचर का है, क्या आपका प्रोडक्ट न्यू लॉन्च है, क्या आपका प्रोडक्ट प्रीमियम कैटेगरी का है, क्या आपका प्रोडक्ट एवरेज, मतलब औसत जितने भी प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में उस तरह का है, डेयरी प्रोडक्ट तो नहीं है, बेवरेजेस तो नहीं है।
तो अगर आपका प्रोडक्ट न्यू लॉन्च है, जैसे कि चिप्स है और न्यू लॉन्च कंपनी है और केवल आप यूपी में ही लॉन्च करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि आपके पास बहुत ज्यादा फंड नहीं है, आप एक स्टार्टिंग करना चाहते हैं, यूपी की मार्केट आपने इसलिए पकड़ी है क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यहां पर न्यू लॉन्च प्रोडक्ट काफी जल्दी मतलब निकलते हैं, रिजल्ट आता है। इंडिया में मैं आपको बता दूं कि अधिकतर जो कंपनियां होती हैं वो यूपी और बिहार में ज्यादा लॉन्च करना चाहती है, खास तौर से यूपी में, क्योंकि यूपी में हर राज्य का मिक्सर है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, तो न्यू ब्रांड पे अगर आपने सही से काम कर लिया तो यहां पर चल जाता है, और यहां जब चलता है न्यू ब्रांड तो आप उसे और भी जगह लॉन्च कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट की कैटेगरी के ऊपर है, प्रीमियम है तो पंजाब में लोग लॉन्च करते हैं सबसे पहले, तो या दिल्ली एनसीआर में करते हैं, तो इस तरह से सबसे पहले आप नेचर फाइंड आउट करिए कि आपके पास बजट कम है, आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, और आप थोड़ा सा मार्जिन अच्छा दे सकते हैं, लेकिन न्यू लॉन्च है आपका प्रोडक्ट तो उसको चलाना भी है, पैसे कंपनी तक आने भी हैं, एम्प्लॉय को भी देने हैं, तो लोग क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा बनाते हैं जो लोकल जो शॉप होती है, छोटी छोटी जो शॉप होती हैं गली मोहल्ले में जो दुकानें होती हैं और दूर दराज के इलाकों में जो दुकानें होती हैं चाय बीड़ी सिगरेट की, वहां पर क्या है चिप्स आपका नया बहुत अच्छा बिक जाएगा, बहुत अच्छा बिक जाएगा। अब आप सोचेंगे कि आपको वैसे डिस्ट्रीब्यूटर पर फोकस करना है, रैंडमली क्या करते हैं अधिकतर सेल्स एम्प्लॉय या कंपनी जो उस एरिया का सबसे अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर होती है उसे बनाने की कोशिश करते हैं, जो हल्दीराम का अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको बनाने की कोशिश करते हैं, वो बनेगा भी नहीं और बनेगा भी तो आपके प्रोडक्ट पर उसका कोई फोकस नहीं रहेगा, उसको पहले से ही कंपनी अच्छी मिली हुई है, उसका टारगेट अच्छा है, कंपनी ने डंडा दे रखा है, कंपनी चली जाएगी, तो उस डर से वो उसी के साथ काम करता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा आप ढूंढेंगे वेंडर। इसके अलावा आप साइकिल से जो सप्लाई करते हैं, बिक्की से जो सप्लाई करते हैं, इसकी भी एक टीम बनाएंगे, इनको भी इंसेंटिव के तौर पे कुछ देंगे या इनको प्रोडक्ट जो है सस्ता उपलब्ध कराएंगे, तो इस तरीके से आप यहां पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ऐसे करना है, एक नेचर आपने फाइंड आउट कर लिया। अब अगर आपका चिप्स प्रीमियम कैटेगरी का है, जैसे कि अभी एक नई कंपनी आई है पीवीआर सिनेमा, आपने नाम सुना होगा, वो पॉपकॉर्न अपने सिनेमा हॉल में बेचते ही हैं और कई कंपनी को सप्लाई भी करते हैं। अब उन्होंने क्या किया है कि अपना जो है पॉपकॉर्न को अलग अलग फ्लेवर में करके और एक जैसे चिप्स जैसी एक कंपनी बनाई है, कुछ ऐसे ही नाम है उसका, 700 बीसी या कुछ, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने क्या किया है, बनाया जो चिप्स है वो लोकल मार्केट के लिए नहीं बनाया, छोटी मार्केट के लिए नहीं बनाया, उन्होंने अपना प्रीमियम ब्रांड प्रीमियम कैटेगरी के लिए बनाया, क्योंकि पीवीआर में अधिकतर लोग जो फिल्म देखने जाते हैं वो थोड़े से पैसे वाले होते हैं और एवरेज कैटेगरी मतलब एवरेज भी पैसे वाले ही होते हैं, तो उन्हें जो वहां पर खाने का टेस्ट मिलता था उसको बाजार में भी खोजते थे। इन्होंने क्या करा, प्रीमियम ब्रांड में इसको उतार दिया। अभी इन्होंने मेट्रो सिटीज में लॉन्च किया है, मेट्रो सिटीज के आसपास की सिटी में ये थोड़ा थोड़ा फैल रहे हैं, तो इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो थोड़े हाई क्वालिटी के हैं, अच्छे हैं। अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर और छोटी दुकानों को डिस्ट्रीब्यूटर दोनों अलग कैटेगरी है। अच्छे जो डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो हाई क्वालिटी के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ज्यादा अमीर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनके पास प्रोडक्ट वैसे होते हैं प्रीमियम क्वालिटी के, वो बड़ी से बड़ी दुकान पर उनकी पकड़ रहती है क्योंकि वहां पर उनका कोई ना कोई प्रोडक्ट रखा रहता है, प्रोडक्ट जाता है, और जो गली मोहल्लों को जो सप्लाई करते हैं छोटे छोटे गांव देहात और छोटी दुकानें जो उन पर जो सप्लाई करते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूटर अलग होते हैं, उनकी उन पर ज्यादा पकड़ रहती है, बड़ी दुकानों से उनका कनेक्शन नहीं होता क्योंकि उनके पास इतने सारे प्रोडक्ट नहीं होते कि वो सारी बड़ी दुकानों पर बार बार जाएं ऑर्डर लें, एक रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं रहता, कहने का मतलब ये है। तो उन्होंने सारे प्रीमियम कैटेगरी के जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो पकड़े हुए हैं, समझ गए, फूड के। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपको टारगेट, आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है, किस तरीके से हेल्प कर सकता है। अगर अब जैसे सैनिटरी पैड है, बहुत सारे सैनिटरी पैड आ रहे हैं महिलाओं वाले, तो अगर आप एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर पर पहुंच जाएंगे तो वो आपकी सेल कभी नहीं निकाल के देगा, आपका प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा, आपका वहां से मुनाफा भी नहीं निकलेगा। और अगर आप एक छोटी दुकानों को जो सप्लाई करता है डिस्ट्रीब्यूटर उसके पास जाएंगे, कॉस्मेटिक पर्सनल केयर का छोटी दुकानों को सप्लाई करने वाला एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है नया है, उसके पास नए नए ब्रांड है बहुत सारे, उसके पास जाएंगे तो वो उसे गली मोहल्ले देहात
ग्रामीण इलाकों में या बीच शहर में जो छोटी छोटी शॉप होती हैं गलियों में, उनको बेचेगा और उस पर मार्जिन ज्यादा होता है। नए प्रोडक्ट तो मार्जिन ज्यादा ही देते हैं, तो वो क्या होता है, वो वहां तक जाके सप्लाई, तो वो क्या है, अपने मुंह से बहुत सारी मार्केटिंग करता है, उसका नया प्रोडक्ट है, उसे नए प्रोडक्ट बेचने का एक्सपीरियंस है, तो वो वहां पर जाता भी है, पहुंचाता भी है और बहुत सारा फोकस भी रखता है, क्योंकि उससे भी ज्यादा बचेगा और दुकानदार को भी ज्यादा बचेगा। तो यहां पर क्या है, पैसों का जो आदान प्रदान होता है, जो प्रोडक्ट निकलने का होता है, आप दुकानदार भी लेगा तो वो भी कस्टमर को उसे समझाएगा, बेचेगा, उस पर ज्यादा इंटरेस्ट रखेगा। तो क्या है, कस्टमर खरीदेगा, पैसे देगा, अब पैसे जो आए रिटेलर्स के पास, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास और फिर कंपनी के पास, तो पैसे को जो फ्लो होता है वो अच्छा बन जाता है। अगर आप एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले गए जो पहले से ही फेमस है और उसके पास अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो वो क्या करेगा कि उन दुकानों पर रखवा तो देगा, पहली दूसरी बार में सब पे रखवा देगा, क्योंकि उसकी जान पहचान है, उसका एक फेस वैल्यू है, लेकिन वहां पर क्या है, दुकानदार उसको फोकस नहीं कर पाएगा और वो प्रोडक्ट निकलेगा नहीं, और जब तक निकलेगा नहीं तो अगला ऑर्डर नहीं लगेगा और पैसे का जो आदान प्रदान है वो रुक जाएगा। तो कंपनी को भी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर को अगर उसने 1 लाख की बिलिंग की है तो वो 1 लाख का माल तो लगा देगा, लेकिन उसका पैसा नहीं लौटा है और ना ही रिटेलर्स डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि रिटेलर्स का भी नहीं बिका है, तो वो अगला माल नहीं मंगाना चाहेगा और कंपनी को जो एक बिलिंग हुई है वहीं पर वो थोड़ा सा स्टक हो जाएगी, या तो कंपनी को उधार देना पड़ेगा, और उधार भी देना पड़ेगा तो भी वो हाथ खड़े करेगा, क्योंकि उसके पास अब जगह ही नहीं है लगाने की। इस तरीके से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर प्लानिंग की जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर बनाना बहुत आसान है, अगर आपने ये प्लानिंग पहले कर ली तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको पता है कि ये इस शहर के ये 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो इस कैटेगरी के हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी नीड है। अब आप उन 4 में से किसी एक पर फोकस कर सकते हैं, तो क्या होगा, टाइम भी बचेगा और रिजल्ट भी आएगा। तो इस तरीके से कुछ प्लान किया जाता है अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं। सबसे पहले एरिया क्या है, उसका डेमोग्राफिक क्या है, जियोग्राफिक क्या है, वहां का कस्टमर बिहेवियर क्या है। एक राज्य को अगर आप देंगे, आज की डेट में एक राज्य को चुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा बहुत सारी चीजें पहले से ही, कि वहां पर किस तरह के कस्टमर बिहेवियर है। तो ये सारी चीजें होती है जो एक पहले से पता लगानी होती है। उम्मीद है कि आपको काफी कुछ नॉलेज मिली होगी, वैसे वीडियो काफी लंबी हो गई, वरना मैं आपको और बताता, अगली किसी वीडियो में अच्छी तरह से और भी एक्सप्लेन करूंगा और डीप में जाके। तो अगर आप वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।